गर्भवती महिला में ये लक्षण दिखे तो घर में 99% लड़का ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में ऐसे कुछ लक्षण के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि घर में पलने वाला शिशु एक लड़का है बोल के। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊँ तो आप लोग को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और साथ में दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं या फिर लक्षण के द्वारा जानना चाहते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव है बहुत होते हैं जिसके वजह से एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों, इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला का जो जानने की जिज्ञासा है उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और दोस्तों, कोई भी लक्षण 100% सटीक नहीं होता है। आप लोग सिर्फ 99% ही गेस कर सकते हो। और दोस्तों, मैं लिंग भेदभाव में भरोसा नहीं करती हूँ या फिर नहीं मानती हूँ। मेरे लिए लड़का हो लड़की हो दोनों समान हैं और किसी को भी या फिर कोई माता पिता को भी लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं चाहिए क्योंकि वो दोनों ही उनके संतान हैं, दोनों को ही समान से देखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं घर में लड़का होने के लक्षण के बारे में। पहला लक्षण है सर में दर्द। अगर गर्भावस्था के दौरान 1 से 3 महीने में अगर एक गर्भवती महिला के सर में बहुत दर्द रहता है तो माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। दूसरा लक्षण है चेहरे में परिवर्तन। अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला का चेहरा का जो निखार है वो कम जाता है या फिर चेहरे में बहुत झाड़ियाँ पिंपल्स की समस्या हो जाता है तो भी जानिए कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है सपने में एक गर्भवती महिला को आम दिखाई देना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला जब रात को सोती है और सपने में अगर उनको आम दिखाई देता है खाते हुए या फिर बहुत सुंदर आम दिखाई देता है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है कमर में दर्द। अगर गर्भावस्था के दौरान 7वें, 8वें, 9वें महीने में एक गर्भवती महिला के कमर में दर्द रहता है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है पैर में दर्द और सूजन की समस्या। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को पैरों में बहुत दर्द और सूजन की समस्या रहती है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही लक्षण है। तो दोस्तों, यही था घर में लड़का होने के लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं कल आप लोग के लिए और ऐसा प्रेगनेंसी टिप में वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।